नमस्कार दोस्तों, आज मतलब हिमगिरी कोठी हमारा हाई स्कूल, कल इसकी छत बिल्कुल सारी उड़ चुकी है और बुरा हाल है, देख लीजिए आप वीडियो में। और ये मौके पे आए हुए हमारे स्थानीय लोग, वार्ड पंच और हमारे जो बीएससी सर हैं वो हैं, और एसएमसी के अध्यक्ष और कमेटी के लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा तूफान था, देखिए बड़े बड़े पिलर जो हैं वो गिर चुके हैं और छत पूरी उड़ चुकी है, और स्कूल का है वो बहुत बुरा हाल है। तो मैं आपको अंदर कमरा दिखाता हूँ कि कमरे का क्या हाल है, बहुत ही बुरा हाल, देखिए मतलब पानी ही पानी आ रहा है। और जो स्कूल का जितना भी सामान है बिल्कुल भीग चुका है, प्रशासन इसकी जल्द से जल्द देख रेख करे, क्योंकि अब हेडमास्टर जी तो यहीं बैठे पर ये क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ मौका ही कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं। और स्थानीय लोग भी अभी तो क्या कर सकते हैं, और देखिए मतलब सामान का बहुत ही बुरा हाल है। ये आप देख सकते हैं कि छत पूरी जो है वो पानी छोड़ रही है नीचे, और जो ये सामान है बिल्कुल भीग चुका है। और सर आप दो शब्द कहेंगे कि प्रशासन के लिए कि भाई कोई कुछ ना कुछ हमें मतलब जल्द से जल्द इसकी देख रेख करे। प्रशासन से हमारी ये प्रार्थना है कि ये कल जो आपातकाल के कारण ये जो व्यवस्था बिगड़ी है उसका तुरंत कोई ना कोई जल्दी समाधान होना चाहिए, ताकि हम अपने जो है सारा जो मटेरियल है इसको सुरक्षित कर सकें। जी हमारे जो ये वार्ड पंच ही है हमारे भाई जी आप दो शब्द बोलेंगे। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ये छत जो है भारी तूफान के कारण उड़ चुकी है, और इतनी बुरी तरह से उड़ चुकी है कि हमारा लोकल बंदा एक जो अपने घर के लिए यहाँ से जा रहा था, तो संयोगवश जो है छत जो उड़ने के कारण उस आदमी के ऊपर गिर पड़ी, और वो आदमी जो है अभी टांडा के लिए उपचाराधीन हो चुका है, रेफर कर दिया गया है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि स्कूल की छत के लिए और हमारा जो बंदा फ्रैक्चर हुआ है उसके लिए अनुदान राशि जो है जरूर करवाई जाए। धन्यवाद। तो हमारे एसएमसी के अध्यक्ष भी यहीं पर मौजूद हैं, इनसे भी कुछ वार्तालाप करते हैं। सर थोड़ा अंदर ही आ जाओ, आप भी मतलब कुछ प्रशासन को जागरूक करो कि प्रशासन देखे ना, अब कोई आम आदमी थोड़ी देखेगा, प्रशासन की ही जिम्मेवारी बनती है ना ये। बिल्कुल जी, मैं तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये छत दो बार उड़ चुकी है जी। और मैं तो प्रशासन से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार यहाँ पर जल्द से जल्द ये छत का निर्माण किया जाए। हम चाहते हैं कि यह छत यहाँ पर लेंटर बने जी। देखो इतने बड़े बड़े पिलर उड़ चुके हैं हवा से जी, जी। तो काफी नुकसान हुआ, देखो अंदर पानी ही पानी आ रहा है, और जितना भी सामान है इलेक्ट्रिकल चीजें हमारे कब ऑफिस में वो सारी भीग चुकी है, कितना पानी आ रहा है हर चीज से, बहुत सारा नुकसान हुआ है हमारे स्कूल को। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है इस स्कूल के जो रिपेयर है उसके लिए अनुचित जो है अनुदान दिया जाए। और साथ में हमारा एक व्यक्ति भी घायल हुआ जो कि घर को जा रहा था जी, जी। उसका गांव टिकरी है, वो शाम को जैसे 6 बजे अपने घर को जा रहा था, 5:30-6 बजे के करीब ये घटना हुई है, तो वो बेचारा बुरी तरह से घायल हो चुका है जी, और जी। उसे टांडा रेफर कर दिया गया है। तो प्रशासन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसे भी शीघ्र अतिशीघ्र जो है उचित अनुदान राशि प्रदान की जाए, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के घर आ जाए। और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, और स्कूल के स्टाफ से कई बार मैं कह चुका हूँ कि लापरवाही ना बरते, अगर कल सही टाइम से बच्चे यहाँ निकल चुके थे, अगर उस टाइम ये घटना होती तो बहुत कुछ देखने मतलब अनहोनी हो सकती थी।